आज दिल्ली के बुराड़ी एरिया में स्थित कैमस कॉन्वेंट स्कूल के काफी छात्रों को सम्मानित किया गया। सम्मान स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया। ये सभी वे छात्र थे जिन्होंने अपने स्कूल की फीस के साथ कुछ अलग से डोनेशन एक निजी संस्था को दी जो कैंसर पीड़ित लोगों की सहायता करती है। छोटे छोटे बच्चों ने काम काफी बड़ा किया है। साथ में स्कूल के स्टाफ ने भी इस संस्था के माध्यम से कैंसर पीड़ित लोगों की मदद की। कैमस कॉन्वेंट स्कूल बुराड़ी विधानसभा के कुशल गांव में स्थित है। स्कूल के बच्चों ने खुद और आसपास के एरिया से एमआरडी नाम की सोसाइटी को कुछ पैसे भेंट किए। यह एमआरडी संस्था कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज करवाती है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया था। कैमस कॉन्वेंट स्कूल आज से नहीं पिछले कई सालों से ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है। डोनेशन के अलावा क्रिसमस डे पर स्कूल की तरफ से जरूरतमंद लोगों को अनाज, चावल, चीनी, छोटे बच्चों को रजिस्टर, कॉपी और स्टेशनरी का सामान डोनेट किया, जिसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बच्चों ने 10 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से इकट्ठा करके यह सामान खरीदा और जरूरतमंदों तक पहुंचाया, जिसका आशीर्वाद इन बच्चों को मिला। इस कार्यक्रम में बच्चों और स्कूल के सभी टीचर्स ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें विक्रम जी, शाहरुख जी, राजेश्वर और सोनिया मैडम, बबीता मैडम, देवेंद्र जी, आदर्श जी, अनीता मैडम आदि का काफी योगदान रहा। स्कूल के चेयरमैन खेमचंद सैनी ने लोगों से अपील की कि वे बच्चों की फीस में कुछ कंसेशन देंगे। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और किसी कारणवश निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, हम उनकी हर सहायता करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों में कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए और क्रिसमस डे पर दूसरों की मदद के लिए सहायता की, तो उनको स्कूल की तरफ से प्रशस्ति पत्र। जी मैम, नाम रजनी से बताएं। और आज बच्चों को किस चीज के देकर पुरस्कार दिया गया है और क्या था ये पूरा मामला? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया सैनी, प्रिंसिपल ऑफ कैंस कॉन्वेंट स्कूल। आप सभी को सबसे पहले जय हिंद बोलना चाहूंगी और आज के समारोह के बारे में बताना चाहूंगी। आज बच्चों को पुरस्कार दिए गए किस चीज के लिए? बच्चों ने कुछ दिन पहले कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए डोनेशन दिया, इकट्ठा किया जन जन जाकर लोगों के लिए पैसे, और ऐसे लोगों को जो आज कैंसर से जूझ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए डोनेशन दिया एक सोसाइटी को। उसके लिए आज बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए गए तथा उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मोमेंटम्स भी दिए गए। इसके अलावा बच्चों को हमने बताया कि आज किस तरह से आसपास के लोग इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो और ऐसी क्या आदतें हैं और ऐसा क्या खाना जो हम डेली लाइफ में दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं अपने बच्चों को या बच्चे टेक कर रहे हैं आउटसाइड से, शॉप्स से, तो हमने अवेयर कराया बच्चों को कि बच्चों को किस तरह का हेल्दी फूड अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए अपने लाइफ से, ताकि बच्चे अपनी लाइफ में आगे हेल्दी जी सके और लॉन्ग जी सके। इसमें हमने एमआरडी सोसाइटी को डोनेट किया लगभग 10,000 रुपीज, और बच्चे बड़े ही खुश थे इस समारोह से और इस कैंप में पार्टिसिपेट करके। तो जिस तरह का ये हमारा फर्स्ट स्टेप था डोनेट करने के लिए कुछ। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले क्रिसमस डे पे भी नीडीज को डोनेट किया था, जैसे कि चावल डोनेट किए हमने, उसमें खाने का और सामान जैसे शुगर हमने डोनेट किया था, छोटे बच्चों को रजिस्टर्स हमने डोनेट किए थे ताकि बच्चे शिक्षा के लिए आगे बढ़ सके। इसके अलावा हमारा स्कूल हमेशा ही आगे रहता है गरीब लोगों की सहायता करने के लिए। हम बहुत से कंसेशन बच्चों को देते हैं। मैं आप जो देख रहे हैं मुझे, मैं अपील करती हूँ आप लोगों से, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो आप हमारे स्कूल में आइए, हम आपका फीस में कुछ ना कुछ कंसेशन करेंगे, ताकि जो बच्चे डिजर्व करते हैं एजुकेशन को और किसी कारण से नहीं ले पाते, हम उनको प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ताकि वो बच्चे भी अच्छी शिक्षा को, प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा को अर्जित कर सके।